रानी साहिबा सो रही हैं, जाग रही होती तो हमें हमेशा के लिए सुला देती। सो तो ऐसी रही हैं जैसे कोई परी हो, विषकन्या। आ गया। नहीं रानी साहिबा, हम तो कब के आए हुए हैं। वो तो आप सोती हुई इतनी प्यारी, खूबसूरत और मासूम सी लग रही थी कि आपको जगाने का मन ही नहीं किया। बस बस बस, जहाँ पना ये लंबी लंबी छोड़ना बंद कीजिए। सही कह रही हैं आप रानी साहब, ये कोई वक्त है ऐसी बातें करने का? ये वक्त तो मोहब्बत करने का है। हटिए, पहले हमें ये बताइए कि आप अभी तक थे कहाँ। रानी साहब, वो हम जरा चौसर खेल रहे थे। अरे चौसर चौसर चौसर, आजकल हम देख रहे हैं जहाँ पना हम शाम को गायब रहते हो और हमारे सो जाने के बाद कमरे में आते हो, ऐसा क्यों? रानी साहिबा बता तो दें, लेकिन बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। जवाब दीजिए वरना आपको हम बहुत दूर तक भेज देंगे। ठीक है रानी साहिबा, आप सुनना चाहती हैं तो सुनिए, हम आपके साथ रहते हैं तो हमारे सर में दर्द हो जाता है। क्या कहा? हम सरदर्द है। हाँ, और वो भी बहुत बड़ा वाला, ऐसा सरदर्द जो शुरू होता है तो रुकने का नाम नहीं लेता। मतलब हम आपको तकलीफ देते हैं। तकलीफ तो आप खुद हैं, आपके होने से लोगों को तकलीफ होती है। आगे आगे बोलते जाइए, हम सुन रहे हैं। देखिए रानी साहिबा, आप अच्छी हैं, आप अच्छी हैं। हाँ सच। हाँ, लेकिन कभी कभी आप हमारी जान खा जाती हैं। मतलब हमसे शादी करके आपकी जिंदगी नर्क बन चुकी है। क्या? ना 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 ना, हम सब समझ गए जापना, अब हमारा प्यार आपको खलने लगा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम आपको छोड़कर बहुत दूर चले जाएंगे। हम भी वही कह रहे हैं रानी साहिबा, आप कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जाइए, हमें खुशी होगी। क्या मतलब? आपको खुशी होगी, आपको अच्छा लगेगा। हम मायके चले जाए हाँ, ताकि आप यहाँ जश्न मनाते रहे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। मायके तो हम नहीं जाएंगे, इस महल में ही रहेंगे, पर आपके साथ इस कमरे में नहीं रहेंगे। ठीक है रानी साहिबा, ठीक है, आपकी मर्जी, हम आपको कैसे रोक सकते हैं। आपको इस महल में जहां भी जाकर रहना है रहिए, हम यहीं रहेंगे। हमारे सामान रखने की अदा से उर्वशी इतना खुश हुई कि खुशी में बोल रही है, हाय मार डाला। अरे जाओ सलीम भाई साहब, उर्वशी मेरी अदा पर मरती है, मैं इनकी अदा पर, ये मेरी अदा पर, आए मार डाला। अरे जाओ, पता भी आपको, बिना वजह पूरे महल में बंदरों की तरह उछलते रहते हो। आप दोनों अपनी बकवास बंद कीजिए, इतना भारी सामान आपने हमारे पैर पे पटक दिया, हमें चोट लग गई इसलिए हम चीख रहे हैं मार डाला। क्या सलीम भाई साहब, आपकी इतनी हिम्मत की आपने सामान उर्वशी के पैर पर पटक दिया। हट। चुप। तेरी वजह से विश्व सुंदरी उर्वशी के पैर में चोट लग गई। अरे जाओ, आपकी वजह से। तेरी वजह से? आपकी वजह से। तेरी वजह से? सलीम भाई साहब, तो आपको समझ नहीं आती है ना, आपकी वजह से, तो मतलब आपकी वजह से। तेरी वजह से? छोड़िए छोड़िए लड़ना, छोड़िए। बस छोड़िए, ये बताइए आप दोनों ये सामान लेकर यहाँ क्यों आए? मुझे पता है, जिसका ये सामान है वो यहाँ रहने वाला है, तो जाहिर सी बात है कि उनका सामान भी यही रहेगा ना। दिमाग? नहीं नहीं नहीं, इस कमरे में हमारे अलावा और कोई नहीं रह सकता। शाही खून है हम। तो क्या, बस हम आपको बता रहे थे और क्या। आप दोनों अपना ये सामान लेकर यहाँ से जाइए, जाइए
चलिए ये हमारा सामान है और इसी कमरे में रहेगा। लेकिन रानी साहिबा, आपका सामान इस कमरे में क्यों रहेगा? क्योंकि हम इस कमरे में रहने वाले हैं तुम्हारे साथ। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप इस कमरे में नहीं रह सकती। क्यों? क्योंकि ये हमारा कमरा है उर्वशी। ये महल हमारा है, महल का हर एक कोना हमारा है। हम जहाँ चाहे वहाँ रह सकते हैं और जिसको चाहे इस महल से धक्के मार के बाहर निकाल सकते हैं। छोड़िए छोड़िए। क्या तुम हमारी गोद में बैठी हो कि हम तुम्हें छोड़ दें? नहीं नहीं रानी साहिबा, हमारा मतलब है कि गुस्सा छोड़िए। लेकिन रानी साहिबा, ये कमरा बहुत छोटा है, अगर आप यहाँ रहेंगी ना तो आपको घुटन होगी। अरे आप फिक्र मत करिए उर्वशी जी, शाही खून है हम यहाँ अम्मी जान को पंखा करने आते रहेंगे। मैं भी। अगर आप दोनों यहाँ आएंगे तो हमें घुटन होगी। क्या? नहीं नहीं नहीं, हमारा मतलब है कि सोचिए लोग क्या कहेंगे। इतनी बड़ी महारानी एक नर्तकी के कमरे में रह रही है। मतलब? मुझे बताया वो भी बड़ी, मतलब मोटी महारानी कह रही है आपको क्या? क्या? नहीं 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 रानी साहिबा, हमारा वो मतलब नहीं था। क्या बात हो? वैसे उर्वशी, तुम एक बात बताते हैं, हमारा झगड़ा सलीम के अब्बू के साथ हुआ है, अब इस पूरे महल में तुम ही तो एक औरत हो, इसके कमरे में हम रह सकते हैं। इसीलिए हमारा फैसला है कि हमारे सामान के साथ हम भी इसी कमरे में रहेंगे तुम्हारे साथ। अरे वाह रोशी, आज बड़ी खुश लग रही हैं आप। हम ऐसे दिखते हैं जब हम खुश होते हैं। हाँ। तो फिर जब हम दुखी होते हैं तब? छोड़िए। छोड़ दिया। अरे हमारा हाथ नहीं, आज पहली बार तो आपने हमारा हाथ पकड़ा है। हाथ मत छोड़िए, पकड़िए, वापस पकड़िए, पकड़िए। आप बहुत दुखी हैं। क्यों? एक बहुत ही बड़ी मुसीबत आन पड़ी है हमारे कमरे में। एक छोटी सी छिपकली से तुम डर जाती हो, मोटी छिपकली। रानी साहिबा। रानी साहिबा को छिपकली बोल रही हो? रानी साहिबा हमारे कमरे में आ गई है हमारे साथ रहने। क्यों? क्योंकि उनका झगड़ा हुआ है जहां पना से। आपको तो पता है रानी साहिबा के साथ थोड़ा सा भी वक्त गुजारना पड़ता है ना तो हमारी जान अटक जाती है, ना हमारी सोच मिलती है ना पसंद मिलती है, और रानी साहिबा अपनी मन मर्जी करती रहती है। हम उनके साथ नहीं रह सकते। और आपको पता है रानी साहिबा हमारे कमरे में रहेगी ना तो सलीम और वासु वो बार बार हमारे कमरे में आएंगे हमें तंग करने। आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे रानी साहिबा हमारा कमरा छोड़ के चली जाए, वरना हमें ये महल छोड़ के जाना पड़ेगा। हम इन पागलों के साथ नहीं रह सकते। आपके पास तो हर मुसीबत का हल है ना, तो फिर इस मुसीबत का भी हल निकालिए अभी इसी वक्त। उर्वशी तुम जिन्हें पागल कह रही हो ये उन्हीं का महल है। रानी साहब को अगर पता चल गया कि हमने कुछ किया है तो हमें निकाल देंगी। इस मुश्किल का हल नहीं है आपका बीरबल, आपको थोड़ा झेलना ही होगा। थोड़ा? मैं रानी साहिबा को बहुत झेलना होगा। जब जहां पना के पसीना छूट जाते हैं तो सोचिए हमारा क्या हाल होगा। पोबारा, एक बार फिर पोबारा। आज हमारा दिन है, आज हमें कोई नहीं हरा सकता। जहां पना, दिन तो हो गया पूरा, अब रात भी हो गई है आधी। इतनी देर आप रानी साहिबा से दूर रहेंगे तो खतरे में आ सकती है आपकी शादी। ऐसा कुछ नहीं होगा तानसेन, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि रानी साहिबा हमारा कमरा छोड़कर उर्वशी के कमरे में जा बसी हैं। जा बना, वैसे ये बहुत बुरा हुआ। रानी साहिबा को आपको छोड़कर उर्वशी के पास नहीं जाना चाहिए था। अगर आप गए तो हम उनसे बात करते। अरे नहीं, नहीं नहीं, क्या कर रहे हैं आप बीरबल? आप ये हमारे साथ बुरा नहीं हुआ है, ये हमारे साथ बहुत अच्छा हुआ है। इतनी बड़ी मुसीबत हमें छोड़कर चली गई, इससे बढ़िया हमारे लिए और क्या हो सकता है। आज तो हम बिल्कुल आजाद हैं,
कोई रोक टोक नहीं, हम जब तक चाहें खेलें, और जब हम अपने कमरे में सोने के लिए जाएंगे तब हमारी फजीहत करने के लिए वहां पर कोई मौजूद नहीं होगा। जहां पना हमारी बहना इतनी बुरी भी नहीं है। नहीं 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 नहीं, हम नहीं कह रहे वो बुरी है, वो बुरी नहीं है, वो तो बहुत अच्छी है। अच्छी क्या, वो बहुत हसीन भी है। लेकिन एक बात याद रखिए, आफत कितनी भी हसीन हो लेकिन आफत आफत ही होती है। चलिए आप अपनी चाल चलिए। क्या हुआ? रात बहुत हो गई, नींद आ रही है, अब चलना चाहिए। वजीर आजम, क्या खूब कही है आपने ये बात, इसमें हम पूरी तरह हैं आपके साथ। चलिए, हमें भी बहुत नींद आ रही है, हमारा नरम बिस्तर और मखमली चादर हमें बुला रही है। फाड़ देंगे आपकी मखमली चादर को, हम फाड़ देंगे। आज यहाँ से कोई कहीं नहीं जाएगा, आप सब यहाँ बैठकर हमारे साथ खेलेंगे। अरे जा बना, रात भर खेलेंगे तो कल दिन में दरबार में काम कैसे करेंगे? अरे हाँ बीरबल, हमने भी इसके बारे में सोचा, और हमने ये सोचा है कि हम कुछ दिनों के लिए अपनी रियासत में राष्ट्रीय अवकाश का ऐलान कर देते हैं। छुट्टी, सबके लिए छुट्टी। अरे ये सुनहरा मौका हम हाथ से थोड़ी ना जाने देंगे, ऐसी आजादी हमें रोज रोज नहीं मिलती है बीरबल। अरे नहीं नहीं जा बना, हम ऐसा नहीं कर सकते। चलिए ऐसा करते, जब तक आप हार नहीं जाते तब तक खेलते, एक बार आप हार गए तो फिर सब जाके सो जाएंगे। ठीक है? ठीक है, हमें मंजूर है, क्योंकि आज हम हारने ही नहीं वाले। जा बना, अगर हमें सोना है तो आपको हारना होगा। दोस्तों, बीरबल जी हम आपके दोस्त नहीं है। दोस्तों, अगर हमें सोना है तो जहां पना को हराना होगा। हम तैयार हैं। अपने सिपाही की तैयारी देखिए आप, ये हैं आपके सिपाही। ओ अंजन उठिए, हराना है आपको हमें, हराइए। हराना है, गाना नहीं गाना है। चलिए लीजिए, खेलिए। इतनी रात तक कोई खेलता है क्या? चलिए हमें सो जाना चाहिए। खराटों की आवाज से ही उठ गए। रानी साहिबा के खराटों के बिना हमारे खराटे कितने डरावने लगते हैं। कहां गए वो खराटे? कौन
कैसे सोए हम? कहाँ है रानी साहिबा? नींद भी तो नहीं आ रही। जा बना। अरे जा बना की जय। अरे जा बना, दोपहर हो गई, आप अभी तक सो रहे हैं? सोने दीजिए वीरबल, पूरी रात अब ठीक से सो नहीं पाए, अभी अभी आंख लगी है। अरे जापना, आप इस तरह सोते रहे तो दीवाने खास की कार्रवाई का क्या होगा? आज सूरज घर के मंत्री चंद्रबान जी आ रहे हैं आपसे मिलने, दोनों देशों के बीच समझौते की बातचीत करने। दीवाने खास में तो रोज जाते हैं बीरबल, आज कुछ अलग करते हैं। अलग मतलब? मतलब रानी साहब अभी नहीं है रोक टोक करने के लिए, इस मौके का हम फायदा उठाना चाहते हैं। चलिए कहीं बाहर चल के जश्न मनाते हैं। और समझौते का क्या होगा? वो भी होगा, आप किसी जंगल में शिविर लगाने का इंतजाम कीजिए। हमने सुना है कि हमारी रियासत में ईरानी नृत्यकियां आई हुई हैं, उन्हें भी वहां पर बुलाइए। जाम से जाम टकराने का इंतजाम कीजिए बीरबल, और फिर ये चंद्रमान, चंद्रमोहन, चंद्रभान, जो भी नाम है इनका, इन्हें भी वहां पर बुला लीजिए। जश्न का जश्न बन जाएगा और साथ में समझौते की बातें भी हो जाएंगी। जा अपना, हमें पता नहीं था कि आप इतने मंजे हुए खिलाड़ी हैं। अरे बीरबल, रानी साहिबा के चंगुल से निकलने का अब मौका मिला है, अब मजा नहीं लूटेंगे तो कब लूटेंगे? और अगर रानी साहिबा को पता चल गया तो? कुछ नहीं पता चलेगा उन्हें, और अगर उन्हें पता भी चल गया तो पता चल जाए। रानी साहिबा को क्या लगा कि वो हमें छोड़कर, हमारे इस कमरे को छोड़कर चली जाएंगी तो हम मिन्नतें करते हुए उनके पीछे दौड़ेंगे? ऐसा कुछ नहीं होगा बीरबल, हम तो जश्न मनाएंगे, हर रोज हर दिन हम जश्न मनाएंगे, हम भी देखते हैं हमें कौन रोकता है। कौन है वहां पर? कौन? अरे झापना, कोई नहीं है वहां, आपको वहम हो रहा है। कोई था बीरबल, कोई काला साया। अब दो चार दिन शिविर में रहकर ही जश्न का लुत्फ उठाया जाएगा। नहीं उठा पाओगे। रानी साहिबा, क्या हम जान सकते हैं कि क्यों नहीं उठा पाएंगे? जहां पना, आप ये जश्न वशन में डूबे रहेंगे तो आपको देखकर सलीम और वासु क्या सीखेंगे? रानी साहिबा, हम उनको अपने साथ लेकर ही नहीं जाएंगे, वो कुछ नहीं देखेंगे तो कुछ नहीं सीखेंगे। ये जश्न वशन बंद कीजिए और रात में चौसर खेलना भी बंद। रानी साहिबा, आपको हमारे साथ नहीं रहना है तो मत रहिए, लेकिन इस तरह आप हमारी जिंदगी को नरक नहीं बना सकती, हमें भी खुश रहने का हक है। खुश रहना है आपको तो ये जश्न वशन भूल जाइए, वरना हम अपनी मासा को यहाँ बुलाएंगे, और जब मासा देखेगी कि हम उर्वशी के कक्ष में रह रहे हैं तो आपका क्या हशर करेगी, ये तो आपको पता ही है। रानी साहिबा, इसमें मासा को बीच में लाने की क्या जरूरत है? आप ठीक है, अगर इतनी सी बात है तो हम जश्न मनाने नहीं जाएंगे। और रानी साहिबा, हम तो कहते हैं इस झगड़े को खत्म कीजिए, आप आ जाइए वापस हमारे साथ रहने लगी आप। नहीं जापन, नहीं। जिस इंसान को हमारी कदर ना हो, उसके साथ हम नहीं रह सकते। रानी साहिबा, लेकिन हम रानी साहिबा कोई सारी बातें बताता कौन है? इन्हें पता कैसे चल जाता है? इतनी पाबंदियां हम पर लगा रख, ये भी कोई बात हुई बीरबल? आप ही बताइए, ये कोई बात हुई? इतनी पाबंदियां लगा रही है हमारे ऊपर रानी साहिबा, इतनी पाबंदियों के बीच में हम जिएंगे कैसे?
लेकिन सच तो यह है कि उनके बिना भी जिया नहीं जा रहा है। अरे रातों को नींद नहीं आती है हमें बीरबल, अपनी खुद की खर्राटे की आवाज से हम खुद ही जाग जाते हैं। कमी खल रही है उनकी, हमें कमी खल रही है, लेकिन वो हमारी बातें तो मानती है नहीं। अब आप ही कुछ कीजिए बीरबल, आप कुछ कीजिए, कुछ कीजिए, रानी साहिबा को मनाइए, कुछ कीजिए, कुछ कीजिए, आप ही को करना है, कुछ कीजिए। हाँ जाओ अपना, उर्वशी भी बहुत परेशान है। नहीं कुछ नहीं। नहीं 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 है, परेशान होगी, कैसे परेशान नहीं होगी, रानी साहिबा के साथ रहना कोई आसान काम नहीं है। लोहे का कलेजा चाहिए रानी साहिबा के साथ रहने के लिए, जो इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक इंसान के पास है। किसके पास? राजा दरबान के पास। ओ ए, ओ क्या, हमारे पास, हमारे पास है। जा अपना, हम आपसे वादा करते हैं कि रानी साहिबा जल्द से जल्द आपके पास वापस आ जाएंगे।